Theater at an academy since last 2 years, and I'm a teacher since last 12 years. Also, guys, I'm a YouTuber since I think 6 years have already been completed. It's the 7th year going on. 7 saal se I've been on YouTube. यूट्यूबर मेरा 7 सालों का रिश्ता हो चुका है अब. एंड डोंट यू वरी बिकॉज टुडे आज आपको मज़ा आएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू आल्सो शो यू टुडे गाइस माय जर्नी विद यूट्यूब. यस, हाउ आई हैव प्रोग्रेस्ड एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द प्रोग्रेशन. ओके, हाय शांभवी, वेलकम टू द क्लास. सो गाइस, लेट मी क्विकली टेल यू दैट दिस इज माय रेफरल कोड. इस कोड से क्या होता है, इस कोड से आप अनअकैडमी फॉर फ्री क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं और प्लस और आइकॉनिक क्लासेस में भी सब्सक्रिप्शन पे भी बड़ा वाला डिस्काउंट ले सकते हैं. सो मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर यूजिंग दिस कोड व्हेनेवर यू आर जॉइनिंग अनअकैडमी. ओके, एंड आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना मत भूलना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. यस, क्विकली गो एंड सर्च दीक्षा भुवालका ऑन अनअकैडमी, या फिर आप प्रोफाइल लिंक से भी सीधा जा सकते हैं. We have crossed 6 million watch minutes. 30,000 people are already following my profile. Make sure that आप भी follow करें. इससे क्या होगा, आपका कोई भी class miss नहीं होगा. Because आप जब भी मैं live आऊँगी अनअकैडमी पर, आपको एक notification आ जाएगा और आपको पता चलते रहेगा कि अनअकैडमी पर अब next क्या classes आ रहे हैं, क्या मेरे batches आ रहे हैं, क्या आपको classes कर सकते हैं आप. Hi Sonia, welcome to the class. Gamer बनूंगा, very good. विभू कोई बात नहीं, ये कर लो, ये बहुत अच्छा interesting session होने वाला है. और आज अगर किसी को कोई क्वेश्चंस भी हो ना, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो कि मैम मेरे चैनल पे ऐसा है, मुझे क्या करना चाहिए, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर योर ओन चैनल देन यू आल्सो यू कैन आस्क मी टुडे, आई विल बी क्लियरिंग ऑल द डाउट्स. ओके, सो क्विकली कम एंड जॉइन माई टेलीग्राम ऑल्सो गाइज. दीक्षा अंडरस्कोर DV13 इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, इसका भी लिंक मैंने आपको दे दिया. ओके, चलो तो फटाफट गाइज हिट द लाइक बटन, फटाफट लाइक कर दो ये वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी नॉट डन. हाँ, आज मेंटी भी है गाइज. बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि मैम मेंटी है कि नहीं. डेफिनेटली गाइज, वी विल ऑल्सो हैव मेंटी टुडे. ओके, अ कॉमेडी चैनल इज इट, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो गाइज क्विकली हिट द सब्सक्राइब बटन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, एंड हिट द बेल आइकन. ओके, हाय हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन गाइज. क्विकली एवरीवन जॉइन इन सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑफ. कैन यू प्लीज कॉल इन योर फ्रेंड्स एवरीवन. तो आज देखो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू गेट स्टार्टेड, कैसे चूज करें कि भाई क्या चैनल चालू करें. अगर अभी तक आपने कोई ऑफकोर्स प्रियांशु, यस, तो गाइस कैसे आप शुरू कर सकते हैं, हाउ टू चूज, हाउ टू सेटअप अ चैनल, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, ग्रो कैसे करें, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के सीक्रेट्स बताऊंगी आज कि उनका चैनल चलता कैसे है. एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ मेंटी चैलेंज एंड स्पेशल विनर्स. यस, सो वेरी 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 अमेजिंग क्लास गाइस टुडे. ओके, सो आर यू ऑल रेडी, आर यू ऑल रेडी. मैम ही मेंटी है, हाँ बाबू मेंटी है, यस मेंटी है, बिल्कुल मेंटी है. ओके, तो चलो, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली हैव अ ड्रीम टू बिकम अ यूट्यूबर. लेट्स नाउ यू नो गेट इनटू द बिजनेस. अब हम लोग एकदम इसको हिट करते डायरेक्टली, लेट्स डायरेक्टली हिट इट. सो ये बताइए पहले कि कितने लोगों को यूट्यूबर बनना है. यूट्यूबर बनने का मतलब क्या है, कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, यस, अब आप उसके ऊपर अपना एक चैनल बना रहे हैं. नाउ अब आप जब चैनल बनाते हैं तो यू हैव अ मोटिव बिहाइंड इट, कि आप उस चैनल को क्यों बनाना चाहते हैं. यस, तो बहुत सारे बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, किड्स, एडल्ट, यंगस्टर्स, ओल्ड पीपल, एवरीवन कैन हैव अ चैनल. यस, इस पर कोई एज की प्रॉब्लम नहीं है. सो मेनी पीपल वॉन्ट टू बिकम अ यूट्यूबर, राइट. सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मोटिव क्या है. बहुत सारे लोग ऐसे ही जस्ट फॉर फन बनाते हैं. नाउ इफ यू आर मेकिंग इट जस्ट फॉर फन एंड यू थिंक कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, देन यू कैन टेक इट अ लिटिल लाइटली. बट बहुत सारे लोग इसको एकदम करियर की तरह यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग इसको अपना पैशन बना लेते हैं, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारे पैसे कमाने हैं. बट कोई भी चीज़ से पैसे कमाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है. यस, यू हैव टू हैव द कम्प्लीट नॉलेज ऑन इट. तो बिफोर यू स्टार्ट अ चैनल गाइज, अगर आपका ऑलरेडी एक चैनल है, आई नो बहुत सारे किड्स बोलते हैं मैम मैंने एक चैनल बनाया था बट वो नहीं चलता, उसमें खाली 13 सब्सक्राइबर्स है या 70 है या 80 है. बट ऑनेस्टली गाइज, उससे तो कुछ होगा नहीं. यस, ओनली 70-80 पीपल वॉचिंग योर कॉन्टेंट. वेन यू कैन हैव सच अ बिग ऑडियंस लाइक द वर्ल्ड हैज मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर ऑन यूट्यूब, राइट. सो वाई नॉट एटलीस्ट टारगेट अ लॉट ऑफ पीपल टू कम एंड वॉच योर कॉन्टेंट. तो ऐसा आपके कंटेंट में क्या होना चाहिए, यस, जिससे आपका चैनल उतना बढ़े, राइट. तो आई हैव अ स्टूडेंट ओवर हियर सेइंग मैम पार्ट टाइम करना है, ड्रीम जॉब नहीं है. ओके, बहुत सारे लोगों का ये भी है कि साइड जॉब है,
लेकिन एटलीस्ट यू शुड गेट समथिंग आउट ऑफ इट. यस, क्योंकि खाली थोड़ा सा वीडियोज बना के पोस्ट कर दिया एंड नो वन इज वॉचिंग इट, इट विल मेक अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो इनस्टेड यू हैव टू हैव अ वेरी गुड क्वालिटी. गाइस, आपको क्वालिटी वाइज यू हैव टू बी सुपर्ब. राइट, यू हैव टू हैव अ गुड क्वालिटी थिंग जिससे लोगों को लगे वाह क्या काम किया है. इन दैट केस पीपल विल कम एंड गेट अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल विद सो मेनी चैनल्स ऑल ओवर यूट्यूब. तो कैसे आपका चैनल स्टैंड आउट करेगा और लोगों तक पहुंचेगा. राइट, चलो. तो जैसे एक यूट्यूब है वैसे इंस्टाग्राम भी है. यस, अभी यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक ऑल आर गोइंग टुगेदर. जैसे आपको पता है कि यूट्यूब इज़ ऑल्सो ओन बाई गूगल. यस, गूगल विच इज़ अ कंपनी ऑफ अल्फाबेट INC, उसके साथ ही यूट्यूब भी जुड़ा हुआ है. और इंस्टाग्राम भी जो में भी जो लोग होते हैं वो यूट्यूबर्स भी बन जाते हैं. सो बेसिकली इंस्टाग्रामर को आजकल बोला जाता है, नया एक निकला इनका विच इज़ कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट गाइस. ओ दैट्स अमेजिंग, यू हैव अ ट्राइपॉड बेस्ट एडिटिंग ऐप, वेरी नाइस. तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं आजकल. यस, सो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे, दे आर मेकिंग अ पेज और प्रोफाइल बना रहे हैं. वैसे यूट्यूब पर बना रहे हैं. लाइक देर आर सम गर्ल्स हु आर मेकअप इन्फ्लुएंसर्स, वो मेकअप करके दिखाते हैं. यस, दे बिकम लाइक इवन मोर एक्सपर्ट्स एट इट. सो नाउ पीपल वॉन्ट टू गो एंड सी देयर मेकअप वीडियोज़ कि भाई वो लोग कैसे करते हैं, दे विल कॉपी देम. We have a lot of cooking channels on YouTube. We have a lot of education channels like us, Unacademy Champions. Right? तो लोगों को पता होना चाहिए कि आपके चैनल पे उनको क्या मिलेगा. Right? तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है जो बहुत सारे लोग मिस आउट करते हैं. They put anything and everything they feel like on their channel. See guys, people want to go for the best. So your channel has to be the best. Okay? So थोड़ी सी एक मेरी अपनी जर्नी बताऊँ आपको गाइस, उसके बाद हम आपको सारे टिप्स भी बताएंगे. डू यू वांट टू नो एटलीस्ट माय जर्नी? ओह दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट प्रियांशु, एकदम एकदम एकदम. वेलकम टू माय व्लॉग. नाइस. यस, डू यू वांट टू नो अ लिटिल बिट ऑफ माय जर्नी? यस, अभी मैंने एक्चुअली इसको पूरा अपडेट नहीं किया, बट थोड़ा बहुत तो आपको बता ही सकती हूँ मेरी खुद की जर्नी में. ओके, so guys, I basically started first time being on YouTube on 2016. You can see September 15, 2016. Recordings pehle ho gayi thi, to 2016 mein actually I first started coming on YouTube. And it's been, see, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 years have completed. We have started the 7th year. Right, so more than, ye to purana screenshot hai. Iske baad aur screenshots maine liye nahi. To more than 3 million views hai already. Yes. So, I first started with my journey on YouTube in 2016, where I was not a much of a YouTube passion nahi tha mera wo us time. But yes, teaching was, and I have always been a teacher. 2016 se pehle bhi, it was 5-6 years already had gone by where I was teaching. So, this time it was time for go to the masses. With the help of the online platform. Online platform ये जो YouTube है, ये आपको एक ऐसा platform देता है कि जब आप एक बार में इतने सारे लोगों के साथ connect कर सकते हैं. When we teach live guys, when we teach live, I can teach 20 students, 30 students, 50 students, 100 students. But when you are watching me live on YouTube, I can have the world with me sitting and watching the lectures. So we started doing this thing, and then it was when I started online teaching. So 2016 में I came on YouTube, and 2016 में I started teaching online. Right, so this was the first company where I was working at, and then second I started off with my own, moving to my own company where I started again teaching on YouTube, teaching live, teaching online, teaching on applications, and YouTube was again one of the very famous platform where I used to teach. Right, so again this is from 2018, so 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, every year I have been on YouTube. Right, so these are some few lectures and few times where I was teaching on YouTube. Yes. Ma'am, what was your editing software? I used to edit on Final Cut Pro. Yes, that is an software that you will find on Apple App Store. Yes, and of course, 2020, I joined Unacademy. So, tab se 2020, 2021, 2022, we have been working on the channel Unacademy Champions. तो ये वाला चैनल भी आज थर्ड ईयर है इस चैनल का भी. टू ईयर्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑन दिस चैनल एज वेल. सो आई हैव बीन टेकिंग सच सो मेनी क्लासेस एज वेल ऑन अनअकैडमी चैंपियंस. राइट,
So this has been my pretty little journey at on YouTube. So it's been 6 years of experience. So with this 6 years of experience, guys, I definitely want you also to grow your channel, right? So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू चूज आइडिया ऑफ कॉन्टेंट. अगर आपके पास चैनल नहीं है तो भी अच्छी बात है, अगर आपके पास चैनल है तो आप अपना कॉन्टेंट चेंज भी कर सकते हैं, राइट. तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, क्या आइडिया है आपके पास और उस आइडिया को चूज कैसे करें. सबसे पहली चीज़ है आप आइडिया वो चूज करेंगे विच यू आर बेस्ट एट, बिकॉज हमें करना है कॉम्पीट. आप जो भी चीज़ लाएं, आप कुछ भी लाइए आने यूट्यूब पर, इट्स ऑलरेडी देयर. यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, आपको क्राउड से थोड़ा अलग बनना है. तो उसके लिए आपके पास आपका जो एक्सपर्टीज है आप वो यूज़ करेंगे. यस, सो देयर कैन बी पीपल हु आर वेरी गुड एट डांसिंग. यस, उनको लग रहा है मैम मैं तो डांस करके एकदम मचा सकता हूँ, लेकिन क्या आपका डांस इतना अच्छा है कि लोग आपका चैनल देखेंगे. यस, या फिर मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि लोगों की लाइफ ईजी बना दूँ. आज आप सोचो लोग YouTube क्यों खोलते हैं, why do people use YouTube in order to learn something. तो हो सकता है कि लोग YouTube पर आए ये देखने के लिए कि यार सिंपल डांस कोई सिखा सकता है क्या, या कोई धीरे धीरे एक एक स्टेप बता सकता है क्या. हो सकता है किसी के घर में शादी हो. तो इफ फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टार्टिंग अ डांस चैनल, यू विल स्टार्ट विद अ लर्निंग वाला डांस चैनल कि लर्न डांस विद सो एंड सो. यस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कौन है, प्रियांशु. फॉर एग्जाम्पल प्रियांशु वॉन्ट्स टू ओपन अ डांस का चैनल, तो ही इज स्टार्टिंग अ चैनल विद लेट्स डांस विद प्रियांशु. एंड वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके लोगों को बता रहे हैं, एंड दैट आइडिया इज ग्रेट, लाइक पीपल वॉन्ट टू वॉच हिज वीडियोज एंड लर्न डांसिंग, राइट. तो अभी विभू का एक आया है कि मैम मुझे सिंगिंग, कुकिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करना चाहती हूँ. लेकिन बाबू ये सब आप एक में नहीं करोगे, हमेशा एक चैनल शुड बी फोकस्ड ऑन वन. एक तो इधर उधर की चीज़ कर सकते हैं, बट आपका एक चैनल एक चीज़ के लिए ज़रूर होना चाहिए. जैसे कि हमारा ये अनअकैडमी चैंपियंस जो चैनल है, यस, इसमें आप देखो, इसमें वी आर फोकस्ड ओनली ऑन एजुकेशन. यस, अब आपको थोड़ी बहुत इधर उधर की भी चीज़ें मिलती हैं, हम आपको कुछ स्किल्स भी सिखाते हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट भी कराते हैं, लेकिन मेन आइडिया क्या है, एजुकेशन. तो वैसे अगर आपका मेन आइडिया सिंगिंग है तो आप सिंगिंग रखिए, बीच में कुछ कुछ वीडियोज़ आपने इधर उधर डाल दिए. कुकिंग है तो कुकिंग का एक चैनल रखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट है तो आर्ट एंड क्राफ्ट का एक चैनल रखिए. यस, गेमिंग का है तो आप गेमिंग का ही चैनल रखिए, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज एन आइडिया विच यू आर वेरी गुड एट, एंड देन यू विल गो फॉर द नेमिंग. ओके, यस. नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई विल पीपल वॉच यू. मैंने अभी आपको बताया कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई आपको लोग क्यों देखे. जैसे मैंने आपको आइडिया दिया ना, हाय स्वर्णिका, सौम्या, हेलो, कि अगर आप डांस का चैनल बना रहे हैं तो क्यों भाई आपका डांस कोई क्यों देखेगा, बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, आप सिखाइए, कुछ नया करिए. यू हैव टू हैव समथिंग न्यू विच इज़ मेकिंग पीपल्स लाइफ ईजियर. अगर आप कुछ ऐसा लाते हैं जिससे लोगों की हेल्प होएगी तो उससे वो आपका चैनल ज़रूर देखेंगे और इसी तरीके से वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है, आज आपने आके मेरी एक वीडियो देखी, बट मैं चाहती हूँ ना कि मैं और भी जो वीडियो लाऊँ वो आप देखें, है ना. तो इसीलिए अगर आप आकर मेरी एक वीडियो देखते हो और मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि अच्छा लोगों को मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है, और सब्सक्राइब करने से मेरे जितने भी आगे के फ्यूचर के वीडियोज़ हैं वो आपके फीड पर आने लग जाएंगे. यस, तो एक बार आने लग जाएंगे तो आप देखने लग जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट हैविंग अ वर्चुअल रिलेशनशिप विथ मी. आप मेरे वीडियोस देखेंगे, उससे सीखेंगे, उसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, फिर वो अपने दोस्तों को बताएंगे, फिर वो अपने दोस्तों को बताएंगे, शेयर करेंगे लोगों के साथ, एंड दैट इज़ हाउ माई चैनल विल ग्रो. मैम जिसका कॉमेडी चैनल है वो कुछ भी अपलोड कर सकता है, यस वो कर सकता है, लेकिन उसका मेन टारगेट कॉमेडी ही होना चाहिए. फिर वो जो भी कर रहा है उसका बेसिक आइडिया कॉमेडी होना चाहिए. यस, आप जो भी करें उसमें से कॉमेडी निकलनी चाहिए, राइट. तो मेक श्योर कि यू आर हैविंग अ प्रॉपर कॉन्टेंट ऑफ योर चैनल, हैविंग अ प्रॉपर कॉन्टेंट ऑफ योर चैनल. यस, राइट, कैन वी मूव अहेड. सो हाउ टू चूज नेम ऑफ अ चैनल. सबसे पहले गाइज नाम होना चाहिए जो एग्जैक्टली आप कर रहे हैं, वॉट यू आर एग्जैक्टली डूइंग, वही आपका चैनल का नाम होना चाहिए, ताकि लोगों को समझना नहीं पड़े कि भाई ये है क्या. यस, अगर नाम में और आपके कंटेंट में मैच नहीं होगा तो लोग कभी भी नहीं समझेंगे. सिंपल सा है, अनअकैडमी चैंपियंस, अनअकैडमी का है, चैंपियंस है, ये चैनल देखोगे चैंपियन बन जाओगे. जैसे मैंने बोला लर्न डांस विद प्रियांशु, तो प्रियांशु के साथ डांस सीख रहे हैं, तो सिंपल नाम रखेंगे और दैट हैज़ टू बी डायरेक्टली रिलेटेड विद वॉट यू आर टीचिंग. यस, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रीडर की कॉमेडी वीडियो देखे उन्हें.
Yes. So it has to be very, 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 very strategic, guys. चैनल का नाम बहुत ही ध्यान से सोच के रखना है, भले उसमें टाइम लगे, बट हैव अ गुड नेम फॉर योर चैनल, राइट? नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर शूटिंग वीडियोस? बहुत सारे लोगों को आजकल पता है कि बहुत ही सिंपल है एक वीडियो शूट करना. वीडियो शूट करने के लिए यू हैव टू हैव अ गुड बैकग्राउंड. यस, आप एक क्लियर बैकग्राउंड रखिए, बहुत ज़्यादा मेसी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, यू शुड हैव अ क्लियर बैकग्राउंड. लाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, गुड लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका वीडियो हेजी है, ब्लरी है, या फिर यू नो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आपके चेहरे पर, तो लोग आपके वीडियो को पसंद नहीं करेंगे. तो मेक श्योर दैट योर वीडियो हैव गुड लाइटिंग, गुड बैकग्राउंड, गुड कैमरा. कैमरा चाहिए आपको डेफिनेटली, वट एवर यू आर शूटिंग. और कभी भी हम साइलेंट वीडियो तो शूट नहीं करते हैं, हमको चाहिए माइक, हमको बोलने के लिए चाहिए माइक, राइट? तो ऐसा कोई जो आपका वॉइस को रिकॉर्ड करे. तो अभी तो क्या है कि बहुत सारे लोग फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि उसमें वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाती है, कैमरा का शूटिंग पार्ट भी रिकॉर्ड हो जाता है, और लाइट भी आप अच्छा कर लेते हैं. बट स्लोली स्लोली व्हेन योर चैनल स्टार्ट्स ग्रोइंग, और आपके पास थोड़े पैसे हो, या आप एक सेटअप करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर गुड क्वालिटी इक्विपमेंट्स लाइक माइक्स, यू कैन गो फॉर गुड क्वालिटी इक्विपमेंट्स लाइक कैमरा, लाइट एंड अ गुड बैकग्राउंड और अ स्टूडियो, राइट? मोबाइल चलेगा, येस ऑफ कोर्स मोबाइल डेफिनेटली चलेगा, बट स्लोली स्लोली जब आप अच्छा और अच्छा और अच्छा पे जाएंगे, यू विल स्टार्ट हैविंग गुड क्वालिटी कैमराज, फिर और अच्छा क्वालिटी, फिर और अच्छा. That comes when you go for something professional. Starting up बिल्कुल मोबाइल से कर सकते हैं. You can have a good or little earphone का जो पीस होता है, माइक पोज पीस होता है, वो यूज़ कर लीजिए. मेक श्योर दैट यू यूजिंग द बैक कैमरा, सेल्फी कैमरा अगर आपका मेगा पिक्सल अच्छा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? यस एग्जैक्टली, नो वन वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट करने का सेंस भी नहीं है. यू मेक श्योर यू आर डूइंग वेरी गुड एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, राइट? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो बीच में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. विच प्लेस टू शूट? अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कहाँ शूट करें. शूट करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए. यस, एंड ज़्यादातर ये अच्छा रहेगा कि आप जो भी शूट करें उससे रिलेटेड हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ नेचर का दिखा रहे हैं, आप कुछ अच्छे वीडियोज़ दिखाते हैं, माउंटेन्स दिखाते हैं, तो डेफिनेटली आप टू गो टू द रियल लोकेशन. अगर आप घर पर बैठे बैठे करें तो मेक श्योर यू हैव अ गुड बैकग्राउंड, या फिर आप कोई यू नो पर्दा लगा कर, या कोई एक स्क्रीन लगा कर आप शूट करें. मेक श्योर कि आपके आप जहाँ पर भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं पीछे आपके कुछ भी मेसी ना दिखे. पीपल्स अटेंशन शुड गो टू यू एंड नॉट योर बैकग्राउंड. बैकग्राउंड शुड बी वेरी वेरी मिनिमल. अब आप देख सकते हैं कि करेंटली मेरे पीछे क्या बैकग्राउंड है. यस, जो मेरे को पढ़ाना है वही है, राइट? अगर मैं एकदम अपने पीछे एकदम गंदा यू नो मेसी कोई बैकग्राउंड दिखाऊँ तो आपको मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका आईज डिस्ट्रैक्ट होगा. सो मेक श्योर दैट यू हैव टू हैव अ क्लियर बैकग्राउंड, क्लियर, नीट एंड टाइडी, और गुड सम विथ सम वॉलपेपर और विथ सम कर्टन्स बिहाइंड यू कैन हैव. मैम, अगर फेस रिवील नहीं करना हो तो विभू, आई थिंक फेस रिवील नहीं करने से ना यू विल नॉट बी हैविंग मच व्यूज़ ऑन द वीडियो. इन दैट केस, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गो फॉर फेस रिवीलिंग, यू शुड डू समथिंग एल्स लाइक पॉडकास्ट. पॉडकास्ट और जैसे आजकल कितने सारे ऐप्स हैं ना, म्यूजिक ऐप्स, उसमें क्या आपको बिना फेस के आप खाली वॉइस दे सकते हैं. सो यू शुड गो फॉर दैट एंड नॉट यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब विदाउट फेस इट वॉन्ट वर्क. कॉमेडी के लिए कौन सा बैकग्राउंड? कॉमेडी के लिए आप किस तरीके की कॉमेडी सोच रहे हो? इफ़ यू आर डूइंग कॉमेडी विद पीपल तो नेचुरल बैकग्राउंड. यस, अगर आप कोई मिमिक्री कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट होगा. इफ़ यू आर यू नो जस्ट हैविंग अदर पीपल ऑन योर शूट तो फिर वीडियो ही अलग होगा. यस, ओके, नेक्स्ट, हाउ टू एडिट द वीडियोज. अब देखो, जो भी वीडियो आपने शूट किया ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा वीडियो ही आपके काम आएगा. हो सकता है कुछ कुछ ऐसे पार्ट हो जो बाद में आपको लगे नहीं नहीं ये मुझे नहीं दिखाना है या मुझे नहीं डालना है, तो उसको आप एडिट करने के लिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्रीमियर प्रो, लाइक फाइनल कट प्रो एंड ऑल दैट. हाँ, इंट्रो वीडियो भी बनाना बहुत अच्छा बात है. यस, डेफिनेटली एक इंट्रो वीडियो ज़रूर होना चाहिए कि आपका वीडियो जब स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका एक क्लीशे वीडियो होना चाहिए जो आपके सारे वीडियोज़ में आता है. यस, ये देखो ये सब क्या है गाइस, दिस इज़ कॉल्ड थंबनेल्स. एनीवन नोज व्हाट इज़ अ थंबनेल? थंबनेल का मतलब, आज कोई भी वीडियो देखने के टाइम पर अगर उसके स्क्रीन पर ही लिखा हो कि वो क्या चीज़ का वीडियो है तो वो बहुत इजी हो जाता है लोगों को उस पर क्लिक करने के लिए. अजय देखो ये सारे थंबनेल्स है दीक्षा मैम के, तब बढ़िया, देख के ही पता चल रहा है कि क्या पढ़ाने वाली हूँ इसमें. सो ऑलवेज मेक श्योर योर वीडियोज हैव अ थंबनेल इन इट, नहीं तो फिर व्यूज़ नहीं आएंगे. यस, नहीं तो फिर व्यूज़ नहीं आएंगे. सो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे थंबनेल्स लगा रहे हैं. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स, हैशटैग्स एंड स्क्रीन्स एंड कार्ड्स.
अभी जब भी आपको ऊपर अपने व्यूअरशिप को इंक्रीज करना है तो आपका जो वीडियो के नीचे का डिस्क्रिप्शन होता है उसके 5 लाइन स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपका वीडियो किसी के फीड पे आएगा तो 5 लाइन आपके डिस्क्रिप्शन के दिखेंगे, जैसे कि दिस आई शो यू। ये देखो गाइस, जैसे ये मेरा वीडियो है, यू कैन सी स्टार्टिंग के जो 5 लाइन है ये पूरा शो होते हैं। एवरी वन कैन सी दिस। यस, In this session, educator Diksha Huwalkar will be teaching how to become a YouTuber. She'll be teaching everything you need to know about being a successful YouTuber. From the basics of video production to monetization strategies, you'll learn everything you need to be successful in this field. Yes, देखो कितना अच्छा है ना, इसमें सब कुछ लिखा है। तो description अच्छा लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो भी देखेगा उसको पता होना चाहिए कि आप क्या बता रहे हैं इस वीडियो में। उसके नीचे देखो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लाइक यू कैन सी कि आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं और अपने प्रेपरेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। यस, और जब भी आप यूज़ करें कोड DB13, उससे आपको फ्री क्लासेस भी अनलॉक होंगे और फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आप इस लिंक को क्लिक करके भी मेरे क्लासेस ले सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको अपने व्यूअर्स को कोई इन्फॉर्मेशन देना है, लाइक क्या लिंक पर क्लिक करें, तो आप डेफिनेटली ये लिंक दे सकते हैं। क्लिक योर फॉर फ्री एक्सेस, आप इससे डेफिनेटली फ्री क्लासेस को भी अनलॉक करा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन देखिए गाइस, सब्सक्रिप्शन के लिए भी क्लास 6, 7, 8 का लिंक दिया है हमने, तो वैसे ही आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मोर लिंक्स फॉर एप्स टू कनेक्ट, यस। तो देखिए सारा सब कुछ हमने यहाँ पर आपके लिए दे दिया। इससे क्या होगा कि किसी को भी अगर मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानना है तो वो मेरी डिस्क्रिप्शन से जान सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल्स आर दिस, एग्जैक्टली आप क्या नाम देंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वीडियो वो बताए कि आप क्या कर रहे हैं। हैशटैग्स, यस यू कैन सी ओवर हियर, हमने हैशटैग्स डाल रखे हैं। इससे क्या होगा कि किसी कोई भी अगर इस नाम से सर्च करता है तो उसको आपका वीडियो दिखा देगा। हाय युवराज। एंड स्क्रीन्स एंड कार्ड्स, एंड स्क्रीन्स एंड कार्ड्स आर बेसिकली जब वीडियो लास्ट में ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर 4 और वीडियोज़ के ऑप्शन आ जाते हैं जो आप इनको देख सकते हैं। यस, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द वीडियो। फाइनली गाइज, जैसे ही आप वीडियो को शेयर करेंगे, मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग इट विद ऑल द प्लेटफॉर्म्स, अपने सारी जगह इसको शेयर करेंगे। धीरे धीरे फिर जब लोग आपके वीडियोज को देखेंगे, दे लाइक इट एंड देन दे विल स्टार्ट कमिंग टू यू। ओके, सो वेटिंग पेशेंटली। नाउ बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैम मोनेटाइजेशन कैसे होगा, हमें चाहिए मनी। तो मोनेटाइजेशन के लिए गाइज, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू हैव इज एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन योर चैनल। ऐसा नहीं है कि 1000 होते ही पैसे आने लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम आपको पहले मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है कि क्या मैं अपना चैनल को मोनेटाइज कर सकता हूँ। तो जब तक 1000 सब्सक्राइबर ना हो तब तक आप बोल भी नहीं सकते कि भाई मेरे को मोनेटाइज करना है। मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स आर नीडेड। उसके बाद खाली आपका वीडियो मोनेटाइज होने के लिए रेडी है, आपका चैनल रेडी है। उसके बाद धीरे धीरे आपको व्यूअरशिप बढ़ाने है। यस, खाली सब्सक्राइबर से या खाली व्यूज से आपको कभी भी पैसे नहीं मिले। You have to have a combination of everything. People should like your videos, people should comment on your videos, people should be sharing your videos, people should be watching your video for full length. Jitne zyada length ke liye koi aapka video dekhega, utna zyada aapka monetization badhega. Yes, more subscribers, more views and more watch minutes. Very important. Combination of all of these, when you start reaching, let's say 10,000, 15,000, 20,000 subscribers with a good number of watch time, तब आपके मोनेटाइजेशन का कुछ रिजल्ट मिलेगा, देन यू कैन अर्न अ लिटिल मनी। बट फॉर मैक्सिमम मनी, अगर आपको बहुत सारा चाहिए तो आपको मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना होगा। यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस, यू कैन आस्क मी। इसके बाद हम मेंटी शुरू करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी गाइस, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द मेंटी। अगर किसी को भी अपने खुद के चैनल के बारे में कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। एंड इसके बाद हम मेंटी शुरू करेंगे। In video we also have a content. Yes, of course. Content का मतलब क्या होता है कि आप वीडियो में क्या दे रहे हैं। Yes, आप वीडियो में एक्चुअली क्या दे रहे हैं वो होता है आपका content. Intro video कैसे बनाएं? Intro video आप editing software में ही बना सकते हैं। Yes, you can have your own intro video on a editing software. उसमें आराम से बन जाता है। आपको उसमें आप अपना एक चैनल का नाम दे दीजिए, आप उसमें अपने बारे में कुछ लाइन्स दे दीजिए, उसमें आप क्या बता रहे हैं वीडियो में वो क्या दे दीजिए। इट हैज़ टू बी वेरी शॉर्ट, बट इस इंट्रो वीडियो हैज़ टू बी वेरी शॉर्ट। आई जस्ट प्ले द इंट्रो वीडियो फॉर यू गाइज। मैं एक बार आपके लिए हमारा जो इंट्रो वीडियो है वो प्ले करती हूँ, एक बार देखो वो कैसा है। वो 1 मिनट का ही है और बहुत ईजी से समझ में आता है। यस, आई विल शो यू द इंट्रो वीडियो।
सा इंट्रो वीडियो बनाओगे तो बहुत चलेगा वो, यस पीपल विल लाइक इट. थंबनेल मेकर, आप अगर आपको थंबनेल्स बनाने हैं या आपको कुछ भी ऐसा ग्राफिक का काम करना है तो आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं, इट्स अ गुड ऐप. कैसा वीडियो डालना चाहिए उसके बारे में मैंने पूरा बताया युवराज, डू वॉच द वीडियो. थंबनेल देख कर आया हूँ, वेरी नाइस ओंकार. ऑफ कोर्स कम एंड अटेंड माई स्पेशल क्लासेस एंड फ्री क्लासेस एंड प्लस क्लासेस. कल November 8 इज टुमारो, आई एम डूइंग अ एब्सोल्युटली फ्री क्लास टुमारो, दैट इज़ ऑन बायोलॉजी. KBC कर रहे हैं हम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एब्सोल्युटली फ्री क्लास टुमारो एट 3 PM. ओके, कल एकदम फ्री क्लास है ये, आप अनअकैडमी पर एकदम फ्री में कर सकते हैं. खाली आपको कोड यूज़ करना है DV13. ये कोड को यूज़ करते ही आपका ये क्लास फ्री में अनलॉक हो जाएगा. प्लस क्लासेस भी ज़रूर ज्वाइन करिए गाइस, जिससे आपको सब्सक्रिप्शन में लेना होगा, जिससे आप पूरा सिलेबस हमारे साथ कवर कर सकते हैं. सो स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन, एंटर योर मोबाइल नंबर और साइन अप कर लीजिए एंड सेलेक्ट योर क्लास, गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड यू नो गो फॉर द स्पेशल एंड वीडियो प्लस क्लासेस. गो टू माई प्रोफाइल, उसमें सारी प्लस क्लासेस और फ्री क्लासेस का आपको कोर्स मिल जाएगा. फ्री वाले में सब में एनरोल कर लीजिए, एकदम फ्री है, खाली कोड यूज़ करना है DV13. गाइस प्राइस हाइक इज कमिंग वेरी सून, बहुत जल्दी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इसीलिए एकदम वेट मत करो. इतना सारा फीचर्स मिल रहा है हमारे यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन पर, सारे टॉप एजुकेटर्स आपको मेरे बैच में मिल जाएंगे एंड माई बैच नेम इज उड़ान बैच. सो यू कम एंड फ्लाई फॉर योर ड्रीम मार्क्स विथ माई बैच. रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द फुल सिलेबस, आप पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा PDF फॉर्मेट में, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस. और ये मेरा बहुत ही फेवरेट फीचर है, द RAH फीचर, जहाँ पर आप प्लस और इकोनॉमिक के सारे बच्चे हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लाइव इन द क्लास बात करके. आपको चैट चैट नहीं करना पड़ेगा, आप कॉल पे जैसे बात करते हैं.